नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। जापान में एक बार फिर से भूकंप का झटका महसूस किया गया है। हम आपको बताएंगे कि जापान में बार बार भूकंप क्यों आता है, आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण जापान में लगातार प्रतिवर्ष लगभग 40 से 45 भूकंप आता है, जिसमें से 7 से 8 भूकंप रिक्टर स्केल पर स्ट्रोंग। सारी जानकारी देंगे, साथ में भी बताएंगे भूकंप आने के कौन कौन से कारण हैं। उसके पहले आपको बता दें कि जापान एक बेनियोफ जोन पर है। बेनियोफ जोन का मतलब होता है कि 3 ऐसे प्लेट जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, तो मैग्मा अलग अलग दिशा में मूवमेंट कर रही है, और ये ऐसे प्लेट है जो नाइदर गेन नॉर लॉस की पॉलिसी पर है। मतलब इसमें ना तो गेन हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, ये स्लाइटली पास टू ईच अदर है। मतलब ये प्लेट इसके पैरेलल ये मूवमेंट हो रहा है, और ये प्लेट जो है ये दोनों के पैरेलल मूवमेंट हो रहा है। देखिए ये, अब यहां पर जहां जहां ये दोनों प्लेट टच कर रहे हैं, जब भी ये मूवमेंट होगा तो यहां घर्षण बल से, फ्रिक्शनल फोर्स से वेव जनरेट हो जाता है, और ये वेव ही ज्वालामुखी नहीं बल्कि भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण होता है। आपको हम ये बता दें कि भूकंप आने के दो प्रमुख कारण में से एक कारण इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी है, जिसके अनुसार प्रत्येक चट्टान की एक लोड सहने की एक पोजीशन होती है। मतलब कोई भी चट्टान के ऊपर जब आप भार देते हैं या फोल्डिंग करते हैं, तो वह एक लिमिट में ही फोल्ड हो पाता है, और बाद में फिर वापस अपने पुराने स्थिति में आना चाहता है। जैसे आप किसी रबड़ को खींचते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं, तो वापस उसी रूप में आना चाहता है। इसे इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी कहते हैं। और दूसरा कारण होता है प्लेट का मूवमेंट होना, यानी कि जो प्लेट एक दूसरे से स्लाइटली पास टू ईच अदर होगा, इस अलोंग में जब प्लेट मूवमेंट होगा तो ये पूरे चट्टानों पर तरंग बन जाएंगे, वेव्स बन जाएंगे, जो पी वेव, एस वेव और एल वेव के रूप में होता है। यानी कि जो पी वेव है, इससे आप जो साउंड देखते हैं भूकंप आते समय, ये उसी का परिणाम होता है। ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में जा पाता है। इसी से पता चलता है कि हमारा जो इंटीरियर कोर है वह सॉलिड अवस्था में। अब देखिए जापान में स्थिति इसलिए आ रही है कि ये प्लेट अगर 1 सेंटीमीटर भी आगे की ओर खिसकता है, तो इससे डिस्टरबेंस ये दोनों को हो रहा है, और ये खुद डिस्टर्ब हो रहा है। इसके चलते इस पूरे इलाके में वेव जनरेट हो जाता है। इसे ज्योग्राफी में बेनियोफ जोन कहते हैं। जितने भूकंप आते हैं वो पृथ्वी में लगभग 40 से 50 किलोमीटर के गहराई पर बनते हैं। शैलो फोकस अगर होगा तो वो उतना नुकसान नहीं करता है, लेकिन जितना ज्यादा गहराई में भूकंप बनेगा वह उतना नुकसान करेगा। जापान में तकरीबन 4400 द्वीप है, जिसमें उसके जो मुख्य प्रांत है, जिसमें होकाइडो है, होन्सू है, सिकोकू है, क्यूसू है, ये 4 प्रमुख आइलैंड है वहां। पैसिफिक प्लेट एक अलग प्लेट है, जापानीज प्लेट खुद एक अलग प्लेट है, और चाइनीज प्लेट एक अलग प्लेट है। तो सारे प्लेट जब मूवमेंट करते हैं दूसरे के पैरेलल, ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो ये प्लेट जो है ये धीरे धीरे स्लाइटली पास टू ईच अदर जैसी होते हैं,
तो धीरे धीरे यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करना शुरू कर देता है और एक एक झटका दे करके आप समझे कि इस प्रकार से ये रन करते हुए आगे निकल रहा है और जैसे ही ये स्लाइटली पास टू ईच अदर होता है ये दोनों, ऐसे में दोनों प्लेट पर घर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं और इसके चलते ही अर्थक्वेक डेवलप हो जाता है। जापान में अर्थक्वेक बहुत तेज आता है और इसके तुरंत बाद समुद्र में लार्ज सी वेव्स बन जाते हैं जिसको सुनामी कहा जाता है। पिछले दिनों ही जापान में 7.1 इंटेंसिटी का रिक्टर स्केल में जो अर्थक्वेक था उसको दर्ज किया गया। कभी कभी अर्थक्वेक आने का कारण मानव निर्मित डैम और झील होता है, जैसे दक्षिण भारत में कोयना डैम का निर्माण होना और इसके चलते लातूर में भूकंप आ जाना एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब आप डैम में पानी जमा करते हैं तो नीचे की जो चट्टान होती है धीरे धीरे उतरती है, खास करके सेडिमेंटी चट्टान, और 30-40 वर्ष तक वो उसी पोजिशन पर रह जाती है। किसी भी कारण से जब डैम का पानी छोड़ दिया जाता है तो डैम से नीचे की ओर जो दबाव है वो दबाव घट जाता है और जैसे ही वो दबाव कम हो जाएगा और दबाव घटेगा तो जो चट्टानें नीचे दब गई वो फिर वापस फिर से अपने पुराने पोजीशन पर आएगी और इस पुराने पोजीशन पर आने के समय में एक जेनरेशन ऑफ वेव्स हो जाएगा, चाहे पी वेव्स बन जाएगा, एस वेव बन जाएगा, एल वेव बन जाएगा और इसके चलते भूकंप की क्रियाएं हो जाएगी। छोटे छोटे भूकंप को ट्रेमर्स बोलते हैं, जैसे कि अगर आप कोई छोटा सा पत्थर गिरा दे तो उससे भी एक भूकंप आता है, कंपन होता है, वो फीबल नहीं है, मतलब उतना ज्यादा उसको नोटिस नहीं किया जाता, लेकिन यही भूकंप अगर 1-1.5 मिनट का हो जाए तो काफी नुकसान है। तो इससे बचने के लिए अभी जो बिल्डिंग बनाए जाते हैं उसमें जो छड़ होता है उसमें इलास्टिसिटी के ज्यादा इंटेंसिटी पुट किए जाते हैं ताकि भूकंप आने की अवस्था में बिल्डिंग टूटे नहीं, मतलब हार्ड रॉक अगर होगा, अब दक्षिण भारत हो, कर्नाटक में धारवाड़ हो, झारखंड का छोटा नागपुर है या छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का पठार है, इस इलाके में भूकंप का ज्यादा झटका महसूस नहीं होता है। इसका कारण ये कि हार्ड रॉक में स्ट्रेस और स्ट्रेन को टॉलरेट करने की क्षमता होती है, मतलब उसमें क्रैश डेवलप हो जाएगा तो इंटेंसिटी और वेव्स जो होगी वो रुक जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर जैसे इंटेंसिटी बड़ा होगा और सॉफ्ट रॉक होगा, जैसे आप जम्मू कश्मीर में देखें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, असम में देखें, हिमालय के किनारे किनारे जो थ्रस्टिंग होती है, मतलब हिमालय में जो सदर्न प्लेट है वो जैसे पुश किया तो सामने से वो अप आ रहा है हिमालय, इस जोन में भूकंप ज्यादा होगा। यही कारण है कि जो एलुवियल सॉइल का इलाका है भारत में या कोस्टल बेल्ट है जहाँ मिट्टी वाला इलाका है वहां पर भूकंप का ज्यादा चांस होता है, ज्यादा भूकंप वहां पर आप देखते भी होंगे। इसके लिए रोजर फेरो स्केल है, मरकारी स्केल है और रिक्टर स्केल है, तीन स्केल पर भूकंप की इंटेंसिटी को काउंट की जाती है और इक्वल इंटेंसिटी का जो भूकंप होता है उसको आइसोसिस्मल लाइन बोलते हैं और एक ही इंटेंसिटी का जिस जिस स्थान पर आया है उसको होमोसिस्मल कहा जाता है। अर्थक्वेक हम आपको बता रहे थे कि जापान में खास करके जो अर्थक्वेक आने का कारण है वो क्या है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो जहां जहां पर फॉल्टिंग हुआ है, कैलिफोर्निया के किनारे, उत्तरी अमेरिका में, पैसिफिक ओशन के साइड में, तो वहां पर भूकंप बहुत ज्यादा मात्रा में आता है और ये भूकंप जो होगा ये ज्यादा नुकसानदेह भी होगा, क्योंकि वहां से जब अर्थ की ओर आएगा, मतलब जो फोकस है नीचे उसके ठीक ऊपर एपी सेंटर है, तो एपी सेंटर में ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जहां पर एल वेव सबसे पहले हिट करेगा वहां पर भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान। अर्थक्वेक पर हमने आपको समझाया कि जापान में अर्थक्वेक इतना ज्यादा क्यों आता है। आपको और भी वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट खोल लेंगे
और उसमें सेक्शन वाइज सारे कॉलम दिए हुए हैं, तो उसमें आप रीजनिंग भी देखना है, मैथ देखना है, या फिर दूसरे सेगमेंट से क्वेश्चन देखना है, तो आप देख सकते हैं आसानी के साथ। और आपको अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।